नहीं दोस्तों, अभी आपको हम दिखाना चाहेंगे जस्ट अभी आपके सामने 200 किलोमीटर की साइकिलिंग करते हुए जो हमारे साइकिलिस्ट आ रहे हैं, ये 200 किलोमीटर की साइकिलिंग करते हुए भोपाल से उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के लिए आए हैं। और हम आपको मिलवाएंगे इनसे कि ये लोग इसके पहले 400 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुके हैं और स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए संदेश देना चाह रहे हैं, तो सीधे भोपाल से उज्जैन आ रहे हैं और इनका स्वागत करेंगे। सर इधर दिखाइए, स्वागत करने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमें जैसे पता पड़ा बीएस डिफेंस एकेडमी को कि साइकिल चलाते हुए भोपाल से कुछ लोग आ रहे हैं, तो हमारी हमने पूरी एकेडमी के लोगों को नीचे बुलाया और फैकल्टी, और हम लोग उनका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। अब स्वागत दिखाएंगे आपको सीधे कि किस तरह से ये लोग चला के आए 200 किलोमीटर साइकिल। दोस्तों बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम जो एसएसबी के अंदर जवान हैं सभी, और भोपाल से सीधा उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए आए सभी साइकिल चला के, तो हम सभी को बधाई के पात्र हैं सभी, हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बधाई आप सभी को, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे नहीं नहीं मैं अरे अरे ताली बजा से भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता की जय। मैं कुछ पूछना चाहूँगा सर, आप कितने किलोमीटर साइकिल चला के अभी आप? जी हमारा 200 किलोमीटर का साइकिल का था, और इसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका? कि बस अपने देश में कोरोना की तीसरी लहर ख़त्म हो गई और सब लोग स्वस्थ रहे और फिट रहे, और फिट को फिटनेस के लिए सबों को जागरूक करने के लिए हमने साइकिल ले ली रखी है जी। और आप बताना चाहेंगे इसके पहले आप कितने किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं? अभी लास्ट में 425 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ। हमारा बीआरएम इवेंट होता है, दैट इज कंडक्टेड बाय ओडेस्क, वी ऑल हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड दैट इवेंट। आप क्या करते हैं वैसे? मैं गजेटेड ऑफिसर हूँ इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। देखिए आपके सामने गजेटेड ऑफिसर जो है 200 मीटर साइकिल चला के आए, ये महाकाल दर्शन के लिए आए, और मिलवाना चाहूँगा आपसे, आप परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर राहुल जोशी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, महाकाल के दर्शन के लिए आए हैं साइकिल से भोपाल से उज्जैन। मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में पता पड़ा, वरना हो सकता है दो चार डॉक्टर जो है इनके स्वागत के लिए मौजूद रहते। आपका आभार, आपका स्वागत है। आप बताना चाहेंगे सर? मेरा नाम अनिल है, मैं भोपाल में एक नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और महाकाल के दर्शन के लिए आए हुए हैं भोपाल। ये देखिए एक कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ पर 200 मीटर साइकिल चला के आए, आपका स्वागत है सर, धन्यवाद आपका। सर सर आप भगवान भाई हैं जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आप परिचय दीजिए, मैं जानता हूँ, बताइए क्या सर, आप बताइए अपने बारे में। मैं MP फर्स्ट माउंट एवरेस्ट क्लाइमर समझे, 19 मई 2016 को मैं दुनिया की सबसे ऊँची चोटी पर अपने देश का, अपने प्रदेश का झंडा फहरा रहा था। मैंने एक छोटा सा सपना देखा था कि मध्य प्रदेश के अंदर ओलंपिक का मेडल तो आया नहीं था, मगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भी मध्य प्रदेश नहीं पहुंचा था, जिसके लिए मैंने 6 साल कड़ी मेहनत करी और 19 मई 2016 को मैंने अपने देश का और प्रदेश का झंडा अपनी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फहराया। जय हिंद। देखिए दोस्तों, मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है और आप सभी के लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि हमने सुना है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 8848 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वो, और हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम एक उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया है। मेरा पहला अनुभव, पहले व्यक्ति से मिला हूँ मैं, बताइए सर आप बताएंगे आप? सर मैं राजेंद्र पाठक, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ, और सर लोगों की प्रेरणा से, भगवान सर की प्रेरणा से, रामा सर की प्रेरणा से मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की थी। पहले स्टार्टिंग में मैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलता था सर लोगों के से, अब मैं 400, जैसे भी बताया सबने कि 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ये सारे इवेंट्स कर चुके हैं। आज भी सब लोगों के साथ में, कल रामा सर ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग चलते हैं, महाकाल के दर्शन भी हो जाएंगे साथ में, एक मतलब एक फिटनेस के लिए एक जागरूकता भी हो जाएगी लोगों में कि लोग भोपाल से लोग आ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज करें, एक फ्यूल की भी बचत होती है
और हम फिट भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मेरा वजन पहले 86 केजी था, अब मैं 71 पे हूँ। टाइम नहीं मिल पाता बैंक से, लेकिन फिर भी आदमी कोशिश करता है कि रह सके। बैंक में आप बैंक मैनेजर हैं? हाँ, मैं चीफ मैनेजर हूँ। बैंक के चीफ मैनेजर से आपने संदेश दिया स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण बचाने के लिए। 200 मीटर की साइकिल, किलोमीटर साइकिल चलाई इन्होंने, और हमारे बीच मौजूद है भाई साहब, आप परिचय। मेरा नाम, मैं रामचंद्रन हूँ, और मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले चुका हूँ मैं जी। और मैं अभी अपना खुद का ही मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं मेडिकल इक्विपमेंट्स का बिज़नेस करता हूँ मैं। और मैं भी 4 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ। पहले मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, तो 100 से ऊपर था। अभी जो है मैं 4 साल में करीब 20 किलो में जो है मैं रिड्यूस कर पाया हूँ। और मेरे को काफ़ी मेडिकल प्रॉब्लम भी थी। तो वजन मत देखें, लेकिन हम में सब में से स्ट्रांग साइकिलिस्ट है। अच्छा, 600 किलोमीटर साइकिल एक साथ कर चुके हैं। वेरी गुड, तालियां बजाइए आप, जोरदार। लद्दाख भी जा चुका हूँ मैं, दो बार लद्दाख साइकिल से। लद्दाख और खरदुंगला जो है सर भी साइकिल से जा चुके हैं, दो बार जा चुका हूँ। भगवान सर भी, सर भी लद्दाख जा चुके हैं सर, हिमालय की चोटी पर चढ़ चुके हैं। नहीं, साइकिल से, साइकिल से, साइकिल से जा चुके हैं ले लद्दाख। मैं खरदुंगला तक जा चुका हूँ दो बार, भगवान सर भी जा चुके हैं, ये तो कारगिल और पता नहीं कहाँ कहाँ। भगवान सर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पिछले 10 सालों से मैं जब भी भोपाल जाता हूँ टीटी नगर स्टेडियम में, तो सर वहाँ मुझे मिलते रहते हैं। और क्योंकि जी जी, मतलब इन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया हुआ है फिटनेस के लिए। और मैंने देखा है ना, मैं एथलेटिक्स के इवेंट के लिए जाता हूँ, वहाँ पे मैं कोच हूँ एथलेटिक्स का, जब भी टीटी नगर स्टेडियम में टीम लेके जाता हूँ तो सर फुल टाइम मौजूद रहते हैं मैदान के अंदर। तो भगवान सर, और मैं चाहूँगा, हमारे बीच रवि चंद्रवंशी है, मेरा स्टूडेंट रहा ये, और ये इसने ही मुझे बोला कि सर वो आने वाले, तो मैं आया। और मैं चाहूँगा रवि, आप अपनी तरफ से जो बोलना चाहें बोलिए। और आप गजब के रनर हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में आत्मीय अभिनंदन करता हूँ, और विशेष तौर पे वीएस डिफेंस एकेडमी और अब्दुल वहाब सर जो मेरे गुरु हैं, मैं भगवान तुल्य मानता हूँ, जिन्होंने मेरे को रनिंग का ABCD सिखाया और मेरी जॉब से लेकर सारी चीज़ों में मेरे को मदद करते हैं, और जब भी मैं सर को याद करता हूँ तत्पर रहते हैं। और सभी का, आप सबका धन्यवाद करता हूँ, पुनः एक बार आप सभी का उज्जैन महाकालेश्वर नगरी में आत्मीय अभिनंदन स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बोला आप लोगों ने अपना समय देने के लिए, समय निकाल के हम लोगों को जो है प्रोत्साहन देने के लिए। हमारे ये सरप्राइज था, हमें तो पता भी नहीं था, और रियली थैंक यू वेरी मच। चलिए, आपका महाकालेश्वर की नगरी में हार्दिक स्वागत है, और भारत माता की जय के नारे के साथ में आपका स्वागत है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद।